हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ JKBOPEE BEd के बारे में, किसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला या फिर एज। देन आपको इसमें टाइप करना है JKBOPEE BEd स्पेशल 2023 IAS पेपर। एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, यहाँ से आपको इस यूनिवर्सिटी से सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पे दिया गया है इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका था 10 मार्च से, एंड इसका फुल फॉर्म है जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसका फुल फॉर्म है। देन यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाइस्ट क्वालिफिकेशन, देन आपको गेट फी काउंसलिंग में क्लिक करना होता है। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। देन यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट हो चुका है, क्लिक हियर टू चेक द एप्लीकेशन डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे एंड देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। देन यहाँ पे जो है एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है। देन यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे, देन आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन हो जाएंगे। देन यहाँ पे जो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, यहाँ पे आप चेक एप्लीकेशन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। देन आपको जो है आपको अपना लॉगिन करना होता है, देन लॉगिन करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है जिसमें आपको अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, देन वेरिफिकेशन कोड डाल के आपको लॉगिन पर क्लिक करना होता है। देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, वहाँ से जो है आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स डिटेल्स एंड अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देनी होती हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आपको अपना नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, रिलीजन, कास्ट, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। देन आपको जो है आपको अपना पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन देना होता है। पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन में जैसे आपको अपने फादर का नेम, मदर नेम, उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, देन आपको जो है अपना एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देना होता है, जैसे कि 10th एंड 12th का परसेंटेज बताना होता है, कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया था, कौन से स्टेट से, कौन सी यूनिवर्सिटी से, एंड देन आपको जो है आपको अपना एड्रेस बताना होता है जिसमें आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, कंट्री, नेशनलिटी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। देन आपको जो है आपको अपना जो है एप्लीकेशन फ़ीस देना होता है। आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI। तो इस तरह से आपको अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।